Ikano, Jansif. You want something done, just do it yourself. Don't ask me anything, do it yourself. And I woke up one day, looked in the mirror, said, what you doing, man? Do it yourself. What you waiting for? Just do it yourself. You don't need no one, just do it yourself. Picked up the skill, I picked up the work. Now they can't say anything, I do it myself. Wanna go somewhere, I take myself out. You run a long take, yeah, no doubt. Get it done, yo, give me a shout. Yeah, you want it suited, give me a shout. F that vibe, get rid of the doubt. Yo, answers there, well, figure it out. Drop me the riddle, we'll figure it out. London's fast with bubbles and stout. Old school flows, what you talking about? Late night shows, I've been running around. From north to south, I've been running around. But couldn't care less if they talk to me now. Where was you then? We've been sorting it out. For a hot minute, hot second, carving the sound. Layers got layers, you know we get down. Oh, bad vibe here, yeah, that's not alert. You want something done, just do it yourself. Don't ask me anything, do it yourself. And I woke up one day, looked in the mirror, said, what you doing, man? Do it yourself. What you waiting for? Just do it yourself. You don't need no one, just do it yourself. Picked up the skill, I picked up the worth. Now they can't say anything, I do it myself. Good morning, guys, and welcome back to my channel. नहीं आंटी बुरा क्या मानना है? आपकी फोटो तो ले ली मैंने इसमें. आपकी फोटो आ गई. मुझे कैसे पता चलेगा? अब मैं बताऊंगा ना, वीडियो बनाऊंगा जब. हाँ बिल्कुल आंटी, बिल्कुल दिखाएंगे. चलो ठीक है आंटी, ठीक है, ओके. ये दो तीन दिन कहाँ गए पता ही नहीं चला. अभी चल रहे हैं साईं के पास, और अभी पीयूष मेरे को रास्ते में कुछ आगे तक छोड़ के आएगा और मेरे को कुछ यहाँ का लोकल फूड भी खिलाएगा. कल मैं साईं के घर पे आ गया था, पीयूष ने मेरे को दो दिन घुमाया, तो अब मैं साईं के घर पे हूँ. तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. तो आज का मैं आपको सीन बता देता हूँ कि आज एक तो अपने बाइक की सर्विस करवानी है, ठीक है, और जो जहाँ पे बाइक की सर्विस करवानी है वो बहुत स्पेशल जगह है. मतलब गैराज कैफे करके ना एक कैफे है रॉयल एनफील्ड का, वो रॉयल एनफील्ड खुद चलाता है. ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी और को दे रखा है, वो चलाता है. तो रॉयल एनफील्ड वो खुद चलाता है, और रॉयल एनफील्ड का ही मतलब वो सर्विस सेंटर है वहाँ पे. तो कोई डीलर नहीं है ऐसा कुछ. तो वहाँ पे अपनी बाइक की सर्विस करवानी है, क्योंकि अपनी बाइक चल गई है. जो लास्ट टाइम मैंने सर्विस कराई थी तब से लेके अब तक ऑलमोस्ट 5500 चल गई है. 5000 रुपये मैं करवा लेता हूँ, लेकिन अब की वही थोड़ा सा लेट हो गया. एनीवे, आज बाइक की सर्विस करवाते हैं और गैराज कैफे दिखाऊंगा आपको. मैंने भी बहुत टाइम से, जब से ये ओपन हुआ है, मैं रील्स ही देख रहा हूँ और इंस्टाग्राम पे ही देखने को मिलता है. मतलब उसमें बहुत पुरानी पुरानी बाइक्स हैं, ऐसा कुछ है. मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सी जगह है, तो वहाँ चलते हैं. और अभी साईं तो चला गया है काम पे, और अभी टाइम हो गया एग्जैक्ट 9 बज गए हैं. मैंने उनको 9 बजे का ही टाइम दिया था, वो बोलते थे कि भाई 9 बजे तक हम ओपन कर लेते हैं, तो इससे पहले भीड़ हो जाए. तो अभी चलते हैं सीधा, बाइक की सर्विस करवाते हैं और आपको कैफे दिखाता हूँ, और आसपास का जितना हो सकता है ना उतना हम कवर कर लेंगे. तो अभी चलते हैं सीधा बाइक पे. अभी आपको रॉयल एनफील्ड का गैराज कैफे दिखाता हूँ, जो कि रॉयल एनफील्ड खुद चलाता है. और मेरे को ये भी कहा गया है कि यहाँ पे आपकी बढ़िया अच्छे से सर्विस करेंगे, क्योंकि ये कोई डीलर नहीं है, ये रॉयल एनफील्ड वाले खुद हैं. तो आई होप, मैं ट्राई करूँगा इसकी थ्रॉटल बॉडी, इसके जो टैपेट हैं वो सब कुछ अच्छे से एक बार करवा लूँ, क्योंकि अपनी बाइक चल गई है ऑलमोस्ट 17,000 चल गई है, जो कि बहुत होता है. और कल से मोटोवर्स भी शुरू हो जाएगा, तो फिर मेरे को ये था कि बहुत सारे लोग आएंगे मोटोवर्स में, तो वैसी बात है सब अपनी अपनी बाइक चेक करवाएंगे, गैराज कैफे जाएंगे, तो टाइम नहीं मिलेगा, बहुत भीड़ होगी. तो मुझे लगा आज करवा लेना बेटर रहेगा. और कल मैंने बाइक धुलवा ली थी, पीयूष लेके गया था मुझे, एक नंबर जगह थी वो, बढ़िया से बाइक धोई उसने. और दो दिन क्या घुमाया पीयूष ने, मतलब साउथ गोवा का जो मेन था ना, जो दो दिन में पॉसिबल था वो सब दिखा दिया उसने, मज़ा आ गया. अभी अपने को यहाँ से जाना है, यहाँ से ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर है, 25 मिनट का दिखा रहा है, मतलब हाईवे ही है, ज़्यादा अंदर नहीं जाना. और ये है बागा बीच के पास, बागा बीच जो यहाँ का बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ भी चलेंगे,
लेकिन पीयूष ने स्पेशली बोला है कि वहाँ पे अगर मजे लेने हैं ना, इन्जॉय करना है, तो रात को 11-12 बजे जाना, फिर आपको मज़ा आएगा वहाँ पे घूमने का। अभी सुबह सुबह आई होप खाली हो और जाते ही अपनी बाइक लग जाए और मेरे को वीडियो बनाने दे, कहीं ऐसा ना हो कि बोले सर वीडियो तो अलाउड नहीं है, फिर दिक्कत हो जाएगी। कैफ़े में तो चलो खैर अलाउड होगा ही। और ये बिल्कुल ना आई थिंक ये सी के साथ है या कोई नदी के साथ है, मैप में दिखा रहा है, स्कूटी का शहर है, स्कूटियों का शहर, स्कूटी स्कूटी भाई साहब। अच्छा ये छोटी सी नदी है, नदी के साथ साथ है, ये रहा। सर्विस सर्विस, तो ये इनका शोरूम है, ठीक है, जहाँ पे अभी बिल्कुल नया स्टॉक आया है। और ये है बैठने का, और वो है एग्जैक्टली कैफ़े, ऊपर भी बैठने का है, बहुत मस्त है कैफ़े। और ये है नई बाइक भाई साहब इनकी, बॉबर, क्या बाइक है। और इसमें ना ट्यूबलेस हैं, क्रॉस स्पोक वाले व्हील्स हैं, पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे हैं इसके, सेक्सी बाइक। और शोरूम के पीछे है सर्विस सेंटर, जिसमें वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, बाइक अभी सर्विस हो रही है मेरी, और मैंने इसकी वारंटी एक्सटेंड करवा ली है 2 ईयर वाली। और अभी ना सारा काम चल रहा है, कल से मोटर वर्क शुरू हुआ तो सारा काम चल रहा है यहाँ पे, पेंटिंग वगैरह सब कुछ, नया पेंट हुआ ऊपर, काम साफ सफाई सब कुछ हो रहा है अभी धीरे धीरे। ये स्टॉक देखो कितना स्टॉक आया यहाँ पे, भर भर के सब नया स्टॉक आया। और ये है बियर 650। डैम, मैं सोच रहा हूँ ये वाला टायर लगवा लूँ, क्योंकि एग्जैक्ट वही टायर है 140/80/17। ये थोड़ा ऑफ रोडिंग ऑन रोडिंग मतलब देखते हैं, ये सब नया स्टॉक है। ये कुछ है बाहर से, अभी सब काम चल रहा है, कल से मोटर वर्क शुरू है तो तैयारी है जोरों पे। और ये है सामने से व्यू, मतलब एक टाइप की नदी सी है, पानी गंदा है। अभी शाम को जो भीड़ होगा ना, मैं सोच रहा हूँ शाम को फिर आऊँ। It's hard, it's not impossible. Tell them there's no limit, I'm unstoppable. Stop myself and guilt, then it's possible. Nobody else, nobody else will play the fool. Maybe I was born just to break the rules. Suck the water for the money and fill up my pool. Not my morals or my dignity, we keep it cool. Just to work for the system, use you like a tool. How efficient do we use ourselves? That's like the story you're telling someone else's tales. All that chit chat will make you feel. Jump up be less and really worry about yourself. Service apni ho gayi done, lekin recording, video, photos kuch bhi allowed nahi hai. Aur ye dekho yaar, main to ye Himalayan electric dekh ke na kasam se bata raha hu, main pagal hi ho gaya. Itni sundar hai, itni sundar, meri aankhein hati nahi rahi. Abhi dikhata hu main aapko. बस बस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, नहीं जा रहा हूँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। लुक एट दिस ब्यूटी, क्या सेक्सी बाइक है स्टॉक। और जब ये स्टार्ट की ना, थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी मोटर की। OMG, लुक एट द टायर, नाइस बाइक। थोड़ा सा टाइम लग गया, 1 बज गया मेरे को, 9:30 बजे आया था, 1 बज गया। और आज कैफ़े बंद भी है, कुछ प्राइवेट लिखा हुआ है, प्राइवेट पार्टी। और अब अगले 2-3 दिन तो बहुत भीड़ रहने वाली है भाई साहब यहाँ पे। और जो सामान आया है, लिटरली जो एक्सेसरीज, ग्लव्स, बैग्स, ओए होए होए, जिसने कुछ लेना है ना यहाँ पे आ जाओ, मैं देखता हूँ, कल आऊँगा रात को, कुछ अगर मेरे को पसंद आया तो ज़रूर लेंगे। एक नंबर कैफे है, पुरानी बाइक्स भी हैं, ज़्यादा बाइक्स नहीं है। अभी काम चल रहा था तो सब कुछ ना इधर उधर ऐसे मैसी सा किया हुआ था, बट कोई नहीं, ये जो लास्ट में दो बाइक आई ना, ओए होए होए होए, ये तो तबाही। अब बाइक की अपनी सर्विस होगी डन। हाँ, क्या चल रही है मक्खन, अब कोई टेंशन नहीं।
ब्रेक पैड बोल रहे थे अगले ब्रेक पैड डालेंगे, मुझे पता था बोलेंगे ही बोलेंगे, आई नो। और अभी आधे पड़े हैं, लिटरली आधे ब्रेक पैड पड़े हैं, अभी भी बोल रहे हैं डालेंगे। मैं कोई बात नहीं, मेरे पास है स्पेयर, मैं अपने आप डालूंगा ब्रो। और इन्होंने भी इतना कुछ खास कुछ चेक नहीं करा, बस नॉर्मल सर्विस ही करी। हालांकि मैंने बोला था टोटल बॉडी क्लीन एंड ये वो वगैरह वगैरह, जो कुछ भी प्रोसीजर होता है ऐसा कुछ, जो इन्होंने बिल दिया है उसमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया। दिखाऊंगा मैं आपको जाके बिल, और मैंने इसकी वारंटी भी एक्सटेंड करवा ली है, क्योंकि मेरी बाइक चल गई थी 17,000 किलोमीटर, 20,000 तक ही होती है, तो मैंने करवा ली, वो भी आपको जाके दिखाता हूँ। मन नहीं कर रहा था जाने का, ऐसा लग रहा था बस आराम से बैठे रहो, लेकिन बैठ के भी क्या ही करता। अभी कल से अपना मोड ओवर शुरू हो जाएगा, वाओ। अब 3 दिन मजे आएंगे भाई साहब, बड़े बीस्ट इलेक्ट्रिक। हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी, जैसे गाड़ी के पेट्रोल इंजन में से आती है ना, हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी, लेकिन क्या बाइक है, सेक्सी बाइक बनाई है। अभी चलते हैं घर पे, नए नए बैग्स, नए नए राइडिंग जैकेट्स, पैंट्स, भर भर के सामान आया है, और आज आज में अरेंज करके कल को आई थिंक डिस्प्ले पे लगा देंगे। और वो बोल रहा था इसकी ना एक यहाँ पे कोई किट है जो कि वारंटी में ही चेंज होगी, इनके पास थी नहीं, तो अभी कभी चंडीगढ़ या उस साइड चक्कर लगेगा तो बदलवा लूँगा। वैसे मेरी बाइक में कोई इशू नहीं है, ज़रूरत नहीं है बदलवाने की, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कुछ नहीं, नथिंग। तो यार ये है अपना सर्विस का बिल, तो इसमें है इंजन ऑयल वही सेम 1150 का, ऑयल फिल्टर है 110 का, और ऑयल फिल्टर की शायद ये सील है ओरिंग 37 की, और चेन ल्यूब और क्लीनर किट है 149 का। वैसे मैं करवाता नहीं, लेकिन मैंने अब की बारी करवा लिया, मैं कहा चलो थोड़ा सा लंबा जाना है तो करवा लेते हैं। और ये है रस्ट क्लीनर 34 का, आई डोंट नो ये यूज़ भी किया है कि नहीं किया। एयर फिल्टर एलिमेंट, एयर फिल्टर है 280 का, तो ये है टोटल जो हर बार इतना ही आता है 1761। और उसके बाद जो चार्जेस लगे हैं, कंज्यूमेबल चार्ज फॉर सर्विस 118, और ये है अपनी जो पेड सर्विस है क्योंकि फ्री सर्विस ख़त्म हो गई है, और ये है टोटल आफ्टर टैक्सेस 826, और टोटल है 944, तो टोटल बिल बना मेरा 2705। ये है जो आपकी पेड सर्विस होगी ना वो ये है। तो अब इसमें क्या है ना, इसमें मैंने उनको बोला था स्पेशली कि भाई थ्रोटल बॉडी क्लीन करना है, और जो बाइक के टैपेट हैं वो अगर कुछ इशू लग रहा है, मेरे को कोई इशू नहीं लग रहा बाइक में, अगर वो शेड्यूल में है उसे चेक करना टाइट वगैरह तो आप कर देना, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है किया भी हो तो मैं अंदर नहीं, मेरे को अलाउड ही नहीं था अंदर जाना। अंदर बस मैं बाइक खड़ी करी, फिर मैं कैफे में चला गया, ना अंदर वीडियो बना सकते हो, ना फोटो बना सकते हो, ना आप अंदर आ सकते हो। तो ये था सर्विस का, और मैंने इसका, और ये है इसका वारंटी एक्सटेंड का 5099 रुपीज़। ये मेरे को ऑलमोस्ट 2 साल की और मिल गई है, अब टोटल 4 साल की हो गई है, 4 साल 40,000 पता नहीं 50,000 तक की अपनी वारंटी हो गई है, 50,000 किलोमीटर तक कोई भी इशू आएगा तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये करवानी बहुत जरूरी है। और ये सस्ती है, मतलब इतनी महंगी नहीं है, आई थिंक 2,500 रुपये पर ईयर की है, 2,500 में तो वर्थ है, कहने का मतलब है ये वर्थ है। मेरे को प्रॉपर देखना था सर्विस का, और मेरे को आपको दिखाना भी था, बट मैं ना खुद देख पाया। तो ये था रॉयल एनफील्ड गैराज कैफे, और इसका सर्विस सेंटर है। तो बाय बाय टाटा, टेक केयर, अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में हम मोटोवर्स चलेंगे, अब 3 दिन लगातार मोटोवर्स चलेगा आई थिंक, और इनकी टाइमिंग भी बहुत सही है ना, ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह ही मेरे को उठ के जाना है, आई थिंक 2 से 9 बजे तक है मोटोवर्स, जो मेरे को व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आई है, मैसेज आया बकायदा कि 2 से 9 बजे तक है, कल का आया है, परसों का जाके या अगले 2 दिन का जो भी है जाके मैं देखता हूँ क्या क्या होगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो बाय बाय टाटा, टेक केयर, अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।